अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब तरह से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोग के लिए चिकन स्प्रिंग बनाने जा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 3 पाव लेग पीस लिए हैं, ड्रम स्टिक, और ये कॉर्नफ्लोर है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हसबे ज़रूरत नमक, और 2 से 2.5 चम्मच मैंने भर के सिरका लिया है। और अब मैं इसमें सबसे पहले ये नमक डालूंगी, मैं स्पैचुला कहाँ है, ये अच्छा जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, और ये मिल गया, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, और ये सिरका डाल रही हूँ, और ये नमक है, क्योंकि मैंने चिकन में धोने के बाद नमक डाल के पानी में 15-20 मिनट रख दिया था, ताकि थोड़ी अंदर तक नमक चला जाए और जूसी बने। तो इसको मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, अदरक लहसुन, सिरका, नमक, और ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच भर के ये डालूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से अच्छे जायकेदार, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ये देखें, ये मैंने सिरका भी मिला लिया है, और इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट मैरिनेट करने के लिए रखूंगी, और फिर जो बाकी चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बताऊँगी। ये थोड़ा सा मैंने पपीते का पाउडर डाला है, क्योंकि चिकन आराम से गल जाएगी हमारी, और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। और ये मैं आपको ये भी इसमें मसाले के लिए मैं बता देती हूँ आपको, दखनी मिर्चें हैं, अजीनोमोटो। चले, ये मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ जब तक कि वहाँ तेल गर्म हो रहा है फ्राई पैन में। तो ये मैं 2 अंडे ले रही हूँ, इनको मैं तोड़ लेती हूँ, तोड़ने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। मैं अंडों को बीट कर ली हूँ अच्छी तरह से, ये मैंने 2 अंडे अच्छी तरह से बीट कर लिए, और ये इसमें मैं नमक डाल रही हूँ हसबे ज़रूरत, और ये अजीनोमोटो, ये दखनी मिर्चों का पाउडर, ये सोया सॉस, डेढ़ चम्मच ये मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, और ये 2 चम्मच भर के मैंने मैदा, और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा ये मैंने ऐड कर दिया है, दोबारा से इसको मिक्स करूंगी। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, इसमें लम्स ना पड़े। जो हमारा सॉस है वो तैयार हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर इसमें अदरक लहसुन और नमक और कॉर्नफ्लोर ये सारी चीज़ें मिला के, और अदरक का पाउडर पपीते का पाउडर मिला के इसको आधे घंटे पौन घंटे के लिए मैंने रख दिया था, और अब मैं इसे फ्राई करने के लिए रखूँगी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। ये मैं इसके अंदर इस तरह से डिप करूँगी, और एक एक करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी, अब ये भी इसी तरह से करूँगी। ये मैंने सारे लेग पीस इसके अंदर डाल दिए हैं,
और इसको मैं 5 से 10 मिनट कवर करके पकाऊंगी, फिर पलटूंगी, फिर 10 मिनट पकाऊंगी, फिर निकाल लूँगी। फिर जब मैं निकालूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, पलटूंगी तो तब भी दिखाऊंगी। चलें, ये 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको पलटूंगी। एक साइड तो हमारी हो चुकी है, अब मैं ये दूसरी साइड सारी पलट लूँगी इस तरह से। ये ऐसे ये देखें, एक साइड हमारी तकरीबन हो चुकी है। अब मैं एक साइड और इनको पलट के 10 मिनट और बनाऊंगी, फिर हमारी ये जो चिकन स्प्रिंग है मज़ेदार सी तैयार हो चुकी होंगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। कवर कर ली 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये हमारी जो चिकन स्प्रिंग है बन चुकी है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। एक एक करके मैं निकाल रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन स्प्रिंग बन चुकी है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आज ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। और अब मैं आपसे इजाज़त दूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।